गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दुष्यंत धीमान है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम एज के अंदर मैंने अब इतना सारा पैसा कमाया, विदेश यात्राएं और लग्जरी कार अचीव की। दोस्तों अगर आपका भी ड्रीम है कि आपको भी यंग एज में 30 से पहले लग्जरी कार लेनी है, दोस्तों अगर आपका ड्रीम है कि कॉलेज में पढ़ते हुए विदेश यात्राओं पे जाना है और 30 साल से पहले अपना ड्रीम घर लेना है, तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चूज किया है आपने। यस माय डियर फ्रेंड, वेस्टिज। सिर्फ वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कम एज के अंदर बहुत सारी सक्सेस दिला सकता है। दोस्तों 22 साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्लान को देखा और मेरी फैमिली का सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। और मैं पढ़ने में, सच बताऊं दोस्त, मैं बहुत वीक था, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। बाकी दुनिया के हर काम में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बाइक चलाना, गेम्स खेलना, बट पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने DU में एडमिशन लिया, क्योंकि DU में आप सबको पता होगा दोस्त कि हम वहाँ पे जाके नए दोस्त बनाते हैं, इंजॉय करते हैं, लाइफ को जीते हैं। तो मैंने एक लाइफ देखी थी कि DU की लाइफ सबसे बेटर लाइफ और मुझे उस लाइफ को जीना है, इंजॉय करना है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने कॉलेज DU में, रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया और अपना पढ़ाई में मेरा बिल्कुल ध्यान था नहीं। मेरा एक दोस्त मुझे कॉलेज में मिलता है जो कि नर्सरी से लेकर 10th तक मेरे साथ उसने पढ़ाई करी, 11th 12th में मेरे साथ था और कॉलेज में मेरे साथ था। उसने मुझे बताया कि कैसे वो एक पार्ट टाइम के अंदर बिजनेस भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। जब उसने मुझे प्लान दिया तो मुझे प्लान, सच बताऊं, प्रोडक्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हम मार्केट से सामान खरीदते ही हैं और मार्केट से सामान खरीदने पे हमें कुछ रुपया नहीं आता। पर जब उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा की, पेरेंट्स की खून पसीने की मेहनत जो कि तुम बाहर किसी और को देके अमीर बना रहे हो, ये पैसे से तुम कैसे अमीर बन सकते हो, जब उसने मुझे ये चीज़ दिखाई तो माय डियर फ्रेंड मुझे बहुत अट्रैक्ट किया ये प्लान। उसने जब मुझे बताया कि इस प्लान के अंदर विदेश यात्राएं भी मिलती है, इस प्लान के अंदर कार फंड भी मिलता है, तो दोस्तों सच बता रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था पर जिंदगी में कभी घूम नहीं पा रहा था। और जब उसने मुझे बताया कि कुछ टाइम के बाद इस प्लान में एक ऐसी पावर है कि आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है और कुछ टाइम के बाद आप काम भी ना करें फिर भी आपके पास में पैसा आता जाता है, माय डियर फ्रेंड जब उसने कार बुक खोली तो सच बता रहा हूँ दोस्त, उस गाड़ियों को तस्वीरें देख के सच में बॉडी में करंट लग रहा था कि काश मेरे पास भी कभी ऐसी गाड़ी होती। पर उसने मुझे बोला ये बिल्कुल हो सकती है और उसने मुझे बताया कि बिना इन्वेस्टमेंट के ये बिजनेस को शुरू करके 3 साल के अंदर हम कैसे अमीर बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और मुझे पता लगा कि यार बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कुछ पैसा लगाना नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया और मुझे लगा बहुत ही इजी होगा, पर माय डियर फ्रेंड ये इतना इजी नहीं था जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे गलती क्या हो रही थी, सेमिनार में ना जाना। स्टार्टिंग में गलती क्या हो रही थी, मैं लिस्ट नहीं बना रहा था, डायरी नहीं मेंटेन कर रहा था। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना मेरा इस बिजनेस के अंदर किसी तरीके से, मेरे लोग जो मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे उन सब दोस्तों ने मुझे मना किया। और गलती क्या हो रही थी, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। माय डियर फ्रेंड 2014 में वेस्टिज की शुरुआत मैंने करी थी। रीज़न मेरा ज्वाइन करने का सिर्फ एक था कि मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाना है कि किसी तरह से कॉलेज की फ़ीस निकाल सकूं और कॉलेज में कुछ ब्रांडेड कपड़े पहन सकूं, कुछ इन्जॉय कर सकूं, दोस्तों के साथ घूम सकूं, इसलिए मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया था। तो माय डियर फ्रेंड जो मेरे वेस्टिज के स्टार्टिंग के 3 चेक थे वो थे मात्र 95 रुपीज़, 115 रुपये और 495 रुपीज़। अब सोच के देखिए दोस्त कि इतनी कम, 500 रुपये से कम इनकम, और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वेस्टिज में हम सपने पूरे करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड वो दोस्त कोई और नहीं, वो दोस्त आप सब उनका नाम जानते हैं, मिस्टर शिवम गोस्वामी जी। यस माय डियर फ्रेंड हम बचपन के दोस्त हैं। उसने मुझे जब बताया कि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद, ग्रुप बनाने के बाद, नेटवर्क जब बड़ा होता है तो आपको किस तरीके से इनकम आती है, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था इसलिए मेरे पास पैसा नहीं आ रहा था। माय डियर फ्रेंड्स अगर मेरी फैमिली को पता लग जाता कि अगर मैं वेस्टिज कर रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स वो करने नहीं देते और शायद आज इतने सारे सपने पूरे नहीं हो पाते। माय डियर फ्रेंड्स एक कहावत है ना कि एक सेब रोजाना खाओ कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से एक कहावत वेस्टिज के अंदर भी है कि अगर आप रोज के 5 प्लान दिखाते हैं तो जिंदगी में आपका बैंक खाता कभी खाली नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स ये अपलाइन ने मुझे बताया कि डेली 5 प्रेजेंटेशन करनी है, इसको रट्टे लगा लो, चाहे कहीं से भी लोग मिले, चाहे तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें दोस्ती बना, जबरदस्ती दोस्त बनाने पड़े, चाहे तुम्हें बाहर से पकड़ने पड़े, बस तुम्हें मीटिंग्स 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 करनी है। क्योंकि अगर वेस्टिज में कामयाब होना है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको डेली 5 मीटिंग्स तो करनी पड़ेगी। और दोस्तों मैंने भी 5 मीटिंग करने का फॉर्मूला जान लिया और मैंने लगातार मीटिंग्स करना शुरू करी। जब माय डियर फ्रेंड्स मेरे नंबर कम आना शुरू हुए कॉलेज के अंदर तो मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि कहीं ना कहीं मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। जब उनको पता चला वेस्टिज के बारे में तो उन्होंने साफ मना कर दिया इस काम को करने से। उन्होंने बोला या तो तू वेस्टिज चूज कर ले या तू हमारे साथ में हमारे घर पे रह ले। तो माय डियर फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा भी आया वेस्टिज के अंदर कि मैंने उनकी बात रिजेक्ट करी और उनको, और मुझे घर भी छोड़ना पड़ा और कई कई दिन मैं बाहर दोस्तों के घर पे, बाहर सड़क पे जा जाके मैंने मीटिंग्स करना शुरू करी, प्लान्स दिखाना शुरू किए। माय डियर फ्रेंड्स का रिजल्ट ये हुआ कि वेस्टिज ने जो मेरे 3 महीने की इनकम थी वो सिर्फ पहली इनकम 95, दूसरी 115 और तीसरी 495 थी,
जब मैंने उनका कहना नहीं माना और मैंने घर छोड़ा तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि हार्डवर्क किसे कहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि मोटिवेशन से पेट नहीं भरने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने मीटिंग्स करना शुरू करी, ज़्यादा मीटिंग्स करी, इतनी मीटिंग्स करी कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा जो फोर्थ मंथ का पेआउट था वो 7,315 रुपये था, यानी कि मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका था। दोस्तों, इसी तरीके से मेरा जो अगला पेआउट आया वो तकरीबन 12,000 का आया, उससे अगला पेआउट आया वो 18,000 का आया, उससे अगला पेआउट आया वो तकरीबन 21,000 का आया, और इसी तरीके से एक साल के अंदर मैं 45,000 तक पहुंच गया। माय डियर फ्रेंड्स, पहले साल 95 से स्टार्ट किया और लास्ट इनकम 45,000 तक पहुंच पाया। दोस्तों, जब एक साल पूरा हो गया तो एक साल के बाद मैंने इस बिजनेस से पहले अपनी एक कार ली जिसका नाम था ग्रैंड आइटन। माय डियर फ्रेंड, कॉलेज में पढ़ते हुए कार ली थी, बहुत खुशी होती है कि जिस उम्र के अंदर लोग अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं, अपनी कॉलेज की फीस मांगते हैं, उस टाइम पे मैं कॉलेज अपनी खुद की गाड़ी से जा रहा था। दोस्तों, पहला फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया दुबई का। माय डियर फ्रेंड, जब दुबई गया तो उसके बाद सच में पता लगा कि वेस्टइज की पावर क्या, और आके मैंने अपने दोस्तों को बताया जिन्होंने मुझे मना किया था, और उनको बताने के बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ से सच में विदेश यात्रा हो सकती है, महीने का 50,000 रुपये कमाया जा सकता है, तो उन लोगों ने भी मुझ पर बिलीव किया। उसकी वजह से हुआ क्या कि मेरी इनकम धीरे धीरे और बढ़ती चली गई, और दूसरे साल मैंने वेस्टइज से अपने लिए एक स्पोर्ट्स बाइक, यस माई डियर फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स बाइक, जो कि 9.5 लाख रुपये की बाइक मैंने इस बिजनेस से परचेस करी। दोस्तों, जो मेरी पहली कार थी उसको मैंने इतना चलाया, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक आपका ट्रैवलिंग, आपकी जैसा ट्रैवलिंग होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपकी कॉलिंग। आप जितनी ट्रैवलिंग करते हैं, जितनी कॉलिंग करते हैं, आपका इनकम उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने खूब उस गाड़ी को इतना चलाया कि वो सुपर बाइक आ गई, और सुपर बाइक से इतने फॉलोअप्स करे, इतने रिजल्ट्स निकाले कि अभी दिवाली पे आज से 7-8 महीने पहले मैंने अपनी एक ड्रीम कार परचेस करी, यस माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है BMW 5 सीरीज, जिसकी कीमत है 70 लाख रुपये। जब शिवम जी ने मुझे वो किताब दिखाई थी तो उस किताब के अंदर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या इसमें कभी मेरी फ़ोटो आ सकती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ मात्र 5 साल के अंदर उस किताब में मेरी फ़ोटो आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, इस वेस्टइज बिजनेस से मैंने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप किए हैं, जिसमें से स्टार क्रूज, लंदन, साउथ अफ्रीका, पटाया, जर्मनी और ऐसी कई सारी विदेश यात्राएँ हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज मेरी उम्र 27 साल है और बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि 27 साल की उम्र में मेरे पास एक BMW 70 लाख की है, एक गाड़ी और खड़ी है घर के बाहर, एक स्पोर्ट्स बाइक है और कई सारी विदेश यात्रा आज मैं वेस्टइज से करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका भी ड्रीम है दोस्त, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको भी 30 साल से पहले जवानी में अगर आपको भी BMW कार चाहिए, साल में 2 बार विदेश यात्राओं पे जाना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, सबसे सही प्लेटफॉर्म है वेस्टइज। और मुझे वेस्टइज सच बताऊँ बहुत ईजी लगता है दोस्त, इतना ईजी लगता है कि यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, दुकान ही तो बदलनी है। आज तक हम कुछ भी मार्केट से सामान लेके आते हैं, अपने पेरेंट्स की खून पसीने की मेहनत से हम जो मार्केट का सामान ले रहे हैं उसमें हम दूसरों को अमीर बना रहे हैं, क्यों ना हम वो पैसा डाइवर्ट करके हम खुद को अमीर बनाएं, अपनी टीम को अमीर बनाएं। दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरे अलावा इस बिजनेस में और भी बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। मेरी टीम में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 18 साल से 25 साल की उम्र है और आज वो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। दोस्तों, मैं भी खाली कामयाब नहीं हो रहा इस बिजनेस के अंदर, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको स्टोरी से एंड करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक साधु होते हैं जो एक गांव के अंदर जब भी अकाल पड़ता है वो डांस करते हैं और डांस करने से बारिश हो जाती है। वो एक साल करते हैं, 2 साल करते हैं, लगातार जब भी अकाल पड़ता है वो डांस करते हैं और डांस होने से वहाँ पर बारिश हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, एक टाइम ऐसा आता है जब वो साधु जी बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी भुजाओं में इतना दम नहीं होता, तो गाँव वाले आते हैं, कहते हैं साधु जी से कि साधु जी डांस करिए, अकाल पड़ चुका है। ऐसा साधु जी बोलते हैं कि अब मेरी भुजाओं में इतना दम नहीं है, अब मैं डांस नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, गांव वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने नाच तो हम ही नाचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे लोग गांव के इकट्ठा होते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ पर बारिश नहीं होती। वो थक जाते हैं, साधु जी से आके रहस्य पूछते हैं कि ऐसा क्या राज है जब आप नाचते तो बारिश होती है, हम नाचे तो बारिश नहीं हुई। तो साधु जी बोलते हैं सिर्फ सिंपल से 2 राज हैं, और 2 राज वो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने अप्लाई कर दिए तो बाय गॉड आपको सक्सेस मिल सकती है। तो पहला राज यह है कि साधु जी बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, बिलीव है मुझे कि बारिश होगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचना बंद नहीं करता जब तक बारिश नहीं हो जाती। सो माय डियर फ्रेंड, ये दोनों कानून मैंने अप्लाई किए। मुझे विश्वास था अपने आप पे कि मैं यंग एज में BMW जैसी कार ले पाऊंगा, सुपर बाइक्स ले पाऊंगा और कई सारा पैसा कमा पाऊंगा, बट मैंने हार नहीं मानी। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप भी हार नहीं मानते और आपको भी अपने आप पे विश्वास है, तो ये गारंटी है कि ये वेस्टइज का प्लान आपको सिर्फ मात्र 3 साल के अंदर आपको रोड से करोड़पति बना सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।